राजनीति मर्दों जैसी होने की। तीखी बात बोली, मैं मानता हूँ, लेकिन भूपेश बघेल के लिए मैंने कमीशन खाया ये खाया नहीं कहा कभी। नेतृत्व करने वालों की बीजेपी में कोई कमी नहीं, शराबबंदी का विरोध हमने कभी नहीं किया। मैं कुछ भी तेज तर्रार नहीं हूँ साहब, बस एक बात है कि मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। विस्तार तेजी से हो रहा है। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग विस्तार देखना शुरू कर चुके हैं। पहला इंटरव्यू वन डे विद एमएलए में हमने ईश्वर साहू जी किया था और उस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में एक ही नाम लगातार आ रहा था, वो नाम था अजय चंद्राकर जी का। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो कुछ लोग हिदायत दे रहे थे, अगर दम है तुम में पाणे, अगर दम है तो तुम अजय चंद्राकर जी का एक बार इंटरव्यू करके बताओ और उसी अंदाज में करके बताना जैसे तुमने ईश्वर साहू जी का किया है। तो कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं अजय चंद्राकर जी के और वो अंदर विराजमान है, तो सभी विषयों में चर्चा किया जाएगा उन पर। काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, काफ़ी आक्रोश में रहते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ जांच वाँच भी करने का हिदायत दे रहे थे और बहुत कुछ बयानबाजी भी चल रही, सब पे बातचीत की जाएगी। आइए चलिए, क्या होता है आपका दिनचर्या, कैसा होता है दिनचर्या? आप देख रहे हैं मैं तो सुबह भगवान को प्रणाम करके ऑफिस आता हूँ लोगों से, जब रायपुर में रहा तो जी, और लोगों से मुलाकात करके अमूमन कॉन्स्टेंसी में और जो काम रहता है उसमें निकल जाता हूँ जी। यही मेरी दिनचर्या है, मस्त शाम को पैदल चलना। शुरुआत से बताइए, राजनीति में कैसे आपका मन हुआ आने का, क्या कारण रहा राजनीति में प्रवेश करने का? साहब मैं जिस जगह में रहता था, जिन लोगों के साथ रहता था, वो सब राजनीतिक परिवेश के लोग हैं जी। मैं तो नहीं था, मैं तो सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव था, समाज का काम करता था, पर जो मेरे वहाँ के वरिष्ठ नेता लोग रहे अचानक इधर उधर हो गए सब जी, तो पार्टी ने मुझको चुनाव लड़ने के लिए आगे कर दिया, तो मैं राजनीति चुनावी राजनीति में आ गया जी। जो सीनियर लोग थे कोई दिवंगत हो गए, कोई दल बदल लिए, इस तरह के एक वैक्यूम आ गया वैचारिक राजनीति में, कुरूप थे जी, तो मुझको आगे किया गया तो मैंने स्वीकार कर लिया। पहली मर्तबा कब आपने चुनाव में प्रवेश किया, पहला विधानसभा? मैं पहला चुनाव 98 में लड़ा जी, और 98 में एक बार छोड़ के 6 बार चुनाव लड़ा, 5 बार जीता, 1 बार नहीं जीत पाया, जनादेश नहीं मिला जी। तो आप इतने गला मतलब बहुत साफ है आपका, आप प्यार से बोलते हैं तो लगता है कि आप चिल्ला रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, बैठिए, गाड़ी लग गई आपकी, बैठ जाइए आप जी। साहब स्वागत है आपका मेरी गाड़ी में, धन्यवाद। अभी आपको कहीं कुछ खिलाता पिलाता तो कुछ खुला होगा कि नहीं खुला होगा? देखिए रायपुर तो इतनी जल्दी जागता नहीं, कोई जाग गया होगा हमको खिलाने के तो वहाँ खा लेंगे। वैसे खाने में क्या पसंद करते हैं आप? नहीं खाता, मैं खाने में मैं कमजोर आदमी हूँ, मेरा दिन भर का खाना हो गया। अच्छा। दोपहर में मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगा, मतलब पूरा हेल्दी डाइट चल रहा है आपका? शाम 6 बजे मेरा डिनर हो जाएगा। अच्छा, 6 के बाद कुछ नहीं खाते आप? रात को एक आध फ्रूट व्रूट इस तरह, मतलब लंच नहीं ब्रंच करते हैं आप? ब्रंच चलता है, ब्रंच भी हल्का होता है, हैवी नहीं होता। तो डाला दाऊ कौन थे? डाला दाऊ मेरा निक नेम है जी, दाऊदी डाला है। अच्छा, मेरे बचपन के साथी, मेरी मोबाइल में भी लिखा है डाला कुरुप करके, मिसिंग मत हो करके, जो मोबाइल में यूज करता हूँ। तो डाला कहने वाले बहुत कम लोग बचे हैं अभी? हैं कुछ, क्लास फेलो हैं, कुछ घर के बड़े लोग हैं जो बोलते हैं अभी भी, लेकिन कम लोग हैं। पहले जब चुनाव लड़ा तो मैं अजय चंद्राकर कोष्टक में डाला लिखवाया था, अब मैं सिर्फ अजय चंद्राकर लिखवाता हूँ, डाला नहीं लिखवाता। अब तो अजय चंद्राकर ही ब्रांड बन गए हैं। अरे ब्रांड पूछ नहीं साहब जी, स्कूल का कार्यकर्ता भाजपा का बस यही पहचान है। स्कूल के दिनों में आपने एक मंत्री से कुछ मांग रखी थी? हाँ, माननीय यशवंत राव मेघावाले जी, उस समय छत्तीसगढ़ में कुरुप थे, चुन के जाते थे, मंत्री बने थे। हम छात्रों ने कहा कि चलो रोकते हैं उसको, स्कूल के सामने गुजर रहे थे तो। फिर हम लोगों ने उसको स्कूल के मैदान बनाने के लिए और स्कूल में लाइट लगाने की मांग की जी, तो उन्होंने दोनों मांग तत्काल पूरी कर दी थी और थोड़े दिन में स्कूल में लाइट लग गया था। उस समय मैदान के लिए 10,000 रुपये और लाइट लगाने के लिए 1,000 रुपये स्वीकृत किया था उन्होंने। तो ये एक वो उस समय हम 9वीं क्लास में रहा होंगे जी। पहली मर्तबा 98 में जब आपने चुनाव लड़ा तो टिकट कैसे मिला आपको? टिकट तो
पार्टी ने दिया साहब कैसे मिला है? मैं कहा अच्छा सरकारी कार्य जुगाड़ लगाना पड़ता है, क्या जुगाड़ लगाए थे बिल्कुल? आज तक बीजेपी में टिकट मांगने के लिए मैंने जुगाड़ नहीं लगाया। अब तो आपको जुगाड़ की आवश्यकता भी नहीं है, पहले की बात कर रहे हैं। जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उस दिन चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा जी, क्योंकि जिस पार्टी ने पहचान दी पूरी सभी चीजों को और उस पार्टी के सिस्टम में हम बढ़े हैं जी, अब वो सिस्टम बदलते देखेंगे, कोई इधर उधर के लोग आएंगे तो उससे अच्छा है कि रुक जाओ। और बहुत विश्वास है सिस्टम में पार्टी के, जो नए लोग आ रहे हैं, जो युवा राजनीति में आते हैं, वो जलवा भौकाल ये सब देखते हैं। तो आप लोग के समय आप लोग जलवा लवा देखते थे अपना? जलवा तो साहब होना चाहिए, लेकिन पोस्टर में नहीं होना चाहिए। हाँ। जलवा काम में होना चाहिए, स्थायी प्रभाव छोड़े ये जलवा होना चाहिए। स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं, कोई भी हो। तो मैं तो युवा जो है, नई पीढ़ी जो आ रहे हैं, उनको बोलो अपने काम में छाप छोड़े, वो जलवा दिखाएं काम में जी, नए विषय हैं उसको अंगीकार करें और आगे बढ़े। उसमें बहुत सारे नए विषय राजनीति में अब आ गए हैं, विचारधारा के अतिरिक्त भी काम करने के लिए जी। तो घर में कोई पृष्ठभूमि थी राजनीति की? घर में बिल्कुल भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ही राजनीति में आ गया, जब राजनीति में आए विभिन्न पदों में आप रहे हैं, आप मंत्री रहे। हाँ। तो एक बार तो महत्वाकांक्षा होती है, बड़े नेता हैं कि सीएम बन जाऊं, कुछ थी आपके मन में? मैं जहां पर था जी और जहां तक आया, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ही आया। मेरा पॉलिटिकल करियर कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, ये सोचने का काम पार्टी का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा जी, जिस दिन मांगना पड़ेगा उस दिन शांत हो जाएंगे काम से, वोट ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए अखंड श्रद्धा अखंड विश्वास है, इसलिए कोई ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं। मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती पार्टी, मेरे नेतागण सब। तो कॉलेज के दिनों में मारपीट के भी झगड़ा, लाइक गैंग ग्रुप जो होता है? मारपीट वाली राजनीति मैंने नहीं, मैंने मारपीट में मेरी विश्वास कभी नहीं रहा। और मगर जिस प्रकार से आप विधानसभा में चिल्लाते हैं, लगता है कि एकाद तो लपड़ाई देंगे अब। मेरे साथ एक विसंगति है जी। और बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, विधानसभा में चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है? मैं अपने लेजिस्लेटिव लाइफ में कम से कम 50 बार बोल चुका हूँगा कि मेरी आवाज बहुत तेज है, मैं गुस्सा नहीं होता। गुस्सा तो कोई देखा नहीं होगा, एक आध बार कभी विधानसभा में आया, एक आध बार और कहीं पे लग, लेकिन बेबाकी स्पष्टता ये स्वभाव में है जी। और मेरे ख्याल से आजकल इस तरह के स्वभाव पसंद नहीं किए जाते। इस शौक में देखना कुछ खाने पीने की खुली हो तो। एक और बात चलती है आपके बारे में कि आप गरियाते बहुत हैं, गाली बहुत देते हैं आप। नहीं, कभी सुना आपने किसी गाली वक्त जी? कोई एक आध उदाहरण बताइए। तो क्यों ऐसी बातें चलती है आपके बारे में? देखिए, जब मेरे खिलाफ आपको कोई नैरेटिव नहीं मिला, कोई आरोप नहीं मिला, तो व्यवहार को निजी जीवन को मुद्दा बनाया जाता है जी। व्यवहार में मैंने एक आज तक इंसल्ट नहीं किसी की। यदि मेरा व्यवहार खराब है तो एक उदाहरण तो बताओ कि मैंने किसी का इंसल्ट किया हो, यारों को किसी का इंसल्ट किया हो ये तो बताओ आप जी। किसी को ह्यूमिलेट किया हो ये बताओ आप। बता नहीं सकते उन बातों, बस पूछेंगे आप, जैसे आप पूछ रहे हैं हमने सुना जी। मनवर आपके साथ एक्सपीरियंस है तो वो बताइए ना, सुनने से क्या होता है। एक घटनाक्रम याद आ रहा है कि आपने क्या कि आवेदन को पोंगरी बना करके जी उस समय पृष्ठभूमि को भी आप जानते हो ऐसा कहने की जी, और भी ऐसी भाषा है। इतना गुस्सा हो गए थे आप? कितनी बार जी किसी चीज की पुनरावृत्ति होनी चाहिए? जब कोई आवेदन, जब कोई पब्लिक मांग आपको फालतू लगने लगे तो उसको आप उचित स्थान में रख लो। ये था आपने कहा कि अगर मेरे प्रति कोई अप्रशंसा व्यक्त करेगा विधानसभा में तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरे प्रति कोई अप्रशंसा व्यक्त करेगा विधानसभा में तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरे खिलाफ कोई बोले तो लोकतंत्र में तो बोलेंगे ही जी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कमर के नीचे आक्रमण नहीं होना चाहिए,
युद्ध में कमर के नीचे आक्रमण करना जो है खिलाफ है, और वैसी होगी तो हर स्तर में लड़ाई होगी, फिर मुंह तोड़ने के हर तरह की लड़ाई होगी। ये आप जो विधानसभा में वक्तव्य रखते हैं उसमें कमेंट्स भी बहुत आ जाते हैं, कमेंट पढ़ते हैं आप? तो इसमें एक कमेंट आया, अजय चंद्राकर जी इतने बड़े आदमी हो, कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा लो, क्यों चिल्लाते हो इतना? तो कहीं जो कमेंट करने वाले हैं उनके लिए मैंने बोरई में मानसिक अस्पताल खोला है ना, मैंने खोला हेल्थ मंत्री रहते हुए जी, मानसिक चिकित्सालय छत्तीसगढ़ का पहला, और निवांस के साथ उसका टाइप है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का। अच्छा हाँ, मतलब अभी करें ही क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम, तो बकवास कमेंट्स के लिए ये इंतजाम मैंने कर रखा। लगातार आप चुनाव जीत कर आ रहे हैं, इस बार चुनाव जीत गया है, मगर आपको मंत्री पद से नहीं नवाजा गया, जो लोग हैं वो लोग भी बेहतर काम कर रहे हैं जी। नेतृत्व करने वालों की बीजेपी में कोई कमी नहीं। भूपेश बघेल जी ने एक बयान भी दिया था कि अजय चंद्राकर को दूध में मक्खी की तरह पार्टी ने बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब मैं पार्टी का ATM तो नहीं हूँ भाई जी, ATM सिस्टम कांग्रेस में, और मेरे ख्याल से श्री भूपेश बघेल जी से जोरदार ATM कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इसलिए उनको तथाकथित सम्मान मिल रहा है। और जिस दिन ATM से उनकी भूमिका हटी उस दिन वो खुद बाहर है अभी मेन स्ट्रीम पे कांग्रेस के। आप लोगों ने ऐप बनाया है मन पसंद ऐप, तो ऐप कहाँ से? आप लोग शराबबंदी का विरोध भी करते थे आप लोग? शराबबंदी का विरोध हमने कभी नहीं किया। ऐप का जहाँ तक सवाल है, पिछले दो दिनों में आप देख रहे हैं मैंने काफी कुछ कहा है इसके बारे में, और उसको लंबा करने की जरूरत जी। तो आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपने भूपेश बघेल जी को टेस्ट ऑन टेस्ट करने के लिए कहा, तो कैसे कराएंगे टेस्ट ऑन टेस्ट? वो तो कैसे भी क्लिनिक में हो जाएगा, पैथोलॉजी क्लिनिक में जी। फिर दीपक भाई जी ने एक बयान दिया है कि अगर चंद्राकर जी को संदेह है तो एक दिन रूम में बैठ जाए भूपेश बघेल जी के साथ। तो उसमें मैंने उत्तर दिया ना, मैं रूम में क्यों बैठूंगा भाई, हाँ तो जेल में जाकर पूछ लूंगा। तो एक कहां से दिमाग में आया कि टेस्ट ऑन टेस्ट होना चाहिए? बात ऐसी आ गई कि राजनीति मर्दों जैसी होनी चाहिए जी। कि एप को एप बोलता हूँ, वीडियो को डिलीट करके दो तीन घटनाएं उनके द्वारा हो गई, तो इतने मुद्दाविहीन हो गए, वीडियो को एडिट करके आप चला रहे हैं। बात दम से होनी चाहिए जी। फिर इसमें कोई लोग कहेंगे आप गलत इशारा कर रहे हैं, आप ये दम से फिर जेस्चर पोस्टर है, इशारा नहीं, दम से होना चाहिए। जो आपके लिए की नेता है ब्रजमोहन जी हो गए, आप और भी राजेश मूर्त जी हैं, सबको बैकफुट में रख दिया गया है? नहीं, कोई बैकफुट में नहीं जी, सबके पास। ब्रजमोहन जी अभी चुनाव देख रहे थे दक्षिण का जी, मूनत जी हमारे साथ प्राकलन कमेटी में है, प्रवक्ता है पार्टी के, जरूरी नहीं है कि हर कोई हर समय हर बार मंत्री ही रहे। घटनाक्रम याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी का समारोह चल रहा है, उसमें आपको और ब्रजमोहन जी ठहाके लगा रहे थे, उसकी अस्थि प्रवाह का समय था, उस समय कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, अभी मैं और आप बात रहे हो कोई कार्यक्रम हो जा रहा है, इतनी गंभीरता मुझ में भी है, मोहन जी में भी है, सब में जी। पर आप ही की कृपा है, आपने उसको इतना दिखाया इतना दिखाया इतना दिखाया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि कार्यक्रम अभी चल नहीं रहा, क्या कर रहे हैं जी, क्या किया जा सकता है, आपको बहिष्कार तो किया नहीं जा सकता। इसके बाद आप लोगों को दिल्ली तलब किया गया था? नहीं, दिल्ली विल्ली तलब नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर कहा गया कि आप उचित समय में ऐसे समय में ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हमने कहा हम करने रहते, कार्यक्रम चालू नहीं हुआ। किससे मुलाकात हुई आपको दिल्ली में? नहीं नहीं, लोकल में। अच्छा, राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी जी भाजपा के मस्कट, मस्कट वाले समझ गए ना, प्रतीक चिन्ह है, जैसे अप्पू था ना एशियाड का जी, अभी बस्तरिया ओलंपिक के लिए वन भैंसा और उसका लोगो जारी किया है, उन लोगों हैं हमारे शुभंकर हैं जी, वो आए मतलब बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो राहुल गांधी में आप कुछ तो अच्छाइयां देखते होंगे? मेरे ख्याल से जो मैं व्यक्तिगत तौर पे सोचता हूँ जी, गलत सलाहकारों से घिरे हैं, वो गलत मुद्दे उठाते हैं जी, उनको अभी आत्मचिंतन करना चाहिए, 5-10 साल राजनीतिक संन्यास लेके फिर आना चाहिए, क्योंकि जिस ओर देश बढ़ रहा है उस ओर कांग्रेस का कोई चिंतन नहीं है। कांग्रेस की कुछ अच्छाइयां बता दीजिए 2-3।
एक भ्रम पाल लिया है कि साहब हमने अहिंसक आंदोलन किया, हमने सत्याग्रह किया, इससे आजादी मिल गई है थीम में। कांग्रेस का कौन नेता बड़े जेल में गया? तिलक जी यदि 6 साल मांडले जेल में रहे जी, तो गरम दल के आदमी थे। 1920 में चले गए थे जब महात्मा गांधी का उदय नहीं हुआ था, उस समय वो बेचारे चले गए थे। एकाध नेता बताइए मुझको जिनको शहादत मिली हो कांग्रेस के। ईश्वर साहू जी का इंटरव्यू किया था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अजय चंद्राकर जी का इंटरव्यू लेकर बताइए, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि विधायकों का कमीशन सेट होता है, तो आप भी विधायक रहे 5 बार के, आप बताइए आपका कमीशन सेट है? ये भाषा जी ही अच्छी नहीं है जी, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर जी। ये तो आप जाके पूछिए, मैं 4 करोड़ रुपया यदि देता हूँ कुरुक्षेत्र की जनता को, सरपंच को या किसी को, तो उनसे जाके पूछे आपसे 5 बार में कभी आपने कमीशन दिया है क्या करके, मेरे से मत पूछे इस बात को। राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में यदि कोई एकाध आदमी ने कोई गड़बड़ कर दी तो उसको उदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिए जी। इतनी चर्चा में मैं किसी भी आदमी के ऊपर कमीशन खाने का आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस के बारे में बात की लेकिन कमीशन खाए, तीखी बात बोली है मैं मानता हूँ, लेकिन भूपेश बघेल के लिए मैंने कमीशन खाया ये खाया नहीं कहा कभी। जिस दिन प्रमाणित हो जाएगा उस दिन कहूंगा इस बात को। मैंने ये जरूर पूछा जेल में क्यों है भाई लोग, ये बताइए आप करके, वो बताएंगे कारण को, और इसलिए उनको बताना चाहिए कि वो नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं, वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान, उनके शासन में उनके नाक के नीचे हुआ। तो आपके पास फोन आता होगा कि चंद्राकर जी कुछ पैसा ले लीजिए, हमारी नौकरी लगवा दीजिए, जैसे कुछ कॉल आता है आपके पास? हर तरह के सार्वजनिक जीवन में हर तरह के कॉल आते हैं जी, हर तरह के। जरूरी नहीं है कि हमारी संलिप्तता हर काल कार्य माने हर काल या हर विषय में हमारी संलिप्तता हो। ऐसा कहा जाता है आपके बारे में कि भाजपा में वर्तमान में आपकी तरह प्रवक्ता, तेज तरह प्रवक्ता कोई नहीं है। मैं कुछ भी तेज तर्रार नहीं हूँ साहब, बस एक बात है कि मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बकवास बात ना करूँ। इतना याद क्या आप कैसे रख लेते हैं? नहीं नहीं, बकवास बात मत करूँ, और यदि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है तो फिर उसी अंदाज में उसको जवाब दूँ, ये कोशिश रहती है। और व्यक्तिगत आरोप से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ, व्यक्तिगत आरोप तभी लगाता हूँ जब मेरे पास कोई दस्तावेज हो, और प्रक्रिया में जाके लगाता हूँ जी। तो कैसा लगा आपको बातचीत करके? आपसे बातचीत करके जी स्पष्ट जो है आप बोल दीजिए, बेकार लगा बोल दीजिए, बेकार लगा। बेकार लगा नहीं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल के व्यक्ति हैं, लोगों तक बात पहुंचेगी जी, आपसे बात करने के लिए लोग तैयारी करेंगे, हमारी भी कोई अच्छी बात होगी तो लोग उससे प्रेरित होंगे, बुरी बात कमेंट आएगा तो हम भी एक सुधारेंगे अपनी अभिव्यक्ति को जी। तो संवाद से तो फायदा ही होता है साहब, और संवाद अदायगी की, इंटरव्यू लेने की, नाम की सबकी स्टाइल है आजकल तो जी। पिक्चरों में जैसे अदायगी होती है ना संवाद की, तो कुल मिला के विस्तार तेजी से हो रहा है, तो लोगों तक देखते हैं विस्तार न्यूज़। जरूर पूछता हूँ, मेरे पास आते हैं पत्रकार तो पूछता हूँ विस्तार वाले आए नहीं आए। कैसा लग रहा है विस्तार का स्क्रीन देख करके? बढ़िया 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 बढ़िया। जो लोग कमेंट करते हैं कि आप रूड हैं, इलाज करवा लीजिए, उनको तो आपने बता दिया है कि आपने अस्पताल खोला है, उनका इलाज मुफ्त में कराएंगे आप। तो जो लोग विधानसभा में TS श्रीदेव जी ने स्वीकार किया था कि 44-45% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है अधिकांश वही लोग होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी है। बातचीत पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, और अगला इंटरव्यू हम किनका कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक मैं जलेबी निपटा लेता हूँ, भैया तो खाते नहीं है।